नसीरपुर गांव के किसान जगत राम अपनी खेती के अनोखे अंदाज के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस हैं। दुनिया जगत राम की किसानी की फैन है। जब सारी दुनिया हाइब्रिड बीज और उच्च किस्म के रासायनिक खाद के पीछे भाग रही थी, उस दौर में उन्होंने पारंपरिक बीजों से देसी खेती की शुरुआत की। पहले शुरू में तो लोग जगत राम को सनकी कहा करते थे। गांव के लोगों ने उनका काफी मजाक भी उड़ाया, लेकिन जगत राम इन सब बातों की परवाह न कर अपने मकसद में लग गए। अब देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग खेती के गुण सीखने जगत राम के पास आते हैं। खुद आदिवासियों से खेती की कला सीखकर जड़ों की ओर लौटे जगत राम ने लुप्त बीजों को पुनर्जीवित किया और अपने खेतों को अनूठी प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया। वहीं अब लोग इन्हें ज्ञानी राम कहते हैं। पूरे भारतवर्ष में हर गांव में सब कुछ हो सकता है, किसान के अंदर करने की मत होनी चाहिए। सभी तरह की फसलें हम ले रहे हैं, सभी तरह के मसाले हम ले रहे हैं, सभी तरह के फ्रूट हम ले रहे हैं और सभी तरह के जो है ना हम औषधीय पौधे लगभग कुछ ही रह गया सभी हम ले रहे हैं। एक एकड़ में ऐसा डिजाइन तैयार किया कि जो भी जिसको चाहिए जो भी कोई बोले हाँ ये तैयार है, यहाँ पे हमने यहाँ पर सब कुछ तैयार कर दिया। जगत राम की इस अनूठी खेती का सिलसिला करीब 9.5 साल पहले शुरू हुआ था और उनके इस काम में उनकी पत्नी ने पूरा साथ दिया। जगत राम अपने खेत में कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते, वो फसलों में देसी खाद डालते हैं। करनाल के जगत राम ने जब पारंपरिक बीजों से खेती की तो उनकी लहलाती फसलें देखकर दूसरे किसान भी हैरान रह गए। जगत राम के मुरीदों में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत सहित देश विदेश के प्रगतिशील किसान भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, कनाडा, इराक, ईरान और ऑस्ट्रेलिया के किसान प्रयोग के तौर पर इनके बीज लेकर गए। जगत राम के खेत और बीज बैंक देखकर विदेशी इनके साथ सेल्फी भी लेकर जाते हैं। जैसे ये खेत में उगाते हैं हम रसोई में पकाते हैं। अगर ये खेत में अच्छे से उगाएंगे मैं कुकर में सिटी लगवाऊंगी, एल्युमिनियम के बर्तन में बनाऊंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैं इनके साथ दूंगी मिट्टी के बर्तन में पीतल के में बनाऊंगी तो तभी खाना अच्छा बनेगा ना। और एक ये नहीं है अभी एक घंटा पहले खाना बना के रख दिया उसमें खाने का कोई अच्छा वो रहते नहीं, 40 मिनट बाद तो खाने का खाना मतलब खाना खाने का कोई स्वाद ही नहीं है, मतलब ताजा बना के खाऊंगी। प्रकृति के साथ जगत राम का रिश्ता अटूट है, उनके इस फॉर्मूले को अब हर कोई अपनाने को तैयार है। कई किसान उनके इस हुनर को अपनाकर खेती भी कर रहे हैं। सनकी से ज्ञानी बने इस किसान के ऑर्गेनिक खेती की कहानी निश्चित तौर पर सभी को प्रेरित करेगी। R9 TV के लिए करनाल से करमजीत सिंह की रिपोर्ट।